नमस्कार, स्वागत है आपका डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, काशी विद्यापीठ ने कुछ और कोर्सेज के टाइम टेबल जारी किए हैं और वहीं हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। और साथ ही साथ जो हमारे पीजी के एस्पिरेंट हैं, जिनका एमए है, एमएससी है, एमकॉम है, बीएड है, एमपीएड है, बीपीएड है, यानी कि आफ्टर ग्रेजुएशन अगर आपका कोई भी कोर्स है, आपका एग्जाम कब होगा और आपका टाइम टेबल कब आएगा, वो भी हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, मेरी पूरी बातों को ध्यान से समझिएगा और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, जो दो आपके टाइम टेबल और आए हुए हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है कि अगर आपका बीएमएस कोई कोर्स है, अगर द्वितीय प्रोफेशनल अगर आपका कोर्स है, अगर आपका सेशन 2019-20 था तो उसका टाइम टेबल आया हुआ है द्वितीय प्रोफेशनल का। और साथ ही साथ अगर आपका बीएमएस द्वितीय प्रोफेशनल 2019-20 का तृतीय प्रोफेशनल एवं मुख्य पूरक का अगर आपका एग्जाम है, तो इन दोनों कोर्सेज के टाइम टेबल आ चुके हैं। और आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो है आपकी परीक्षा कब, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि जो हमारे बीएड के जो है स्टूडेंट हैं, जो एमएससी के एमए के हैं, उनका एग्जाम कब तक होगा। तो यहां पे ही आपका कुछ इस तरह से टाइम टेबल है, बीएएमएस द्वितीय प्रोफेशनल बैच 2019 और एवं तृतीय प्रोफेशनल 2018 बैच मुख्य एवं पूरक परीक्षा। तो अगर आपका ये कोर्स है, अगर आप काशी विद्यापीठ में पढ़ते हैं या फिर आपका कॉलेज काशी विद्यापीठ से अटैच्ड है, एफिलेटेड है, तो ये टाइम टेबल आपको फॉलो करना है। और जो है 3 घंटे की परीक्षा है, 1:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक, और इस तरह से आपके पेपर्स यहां पे बताए गए हैं। ठीक है, तो ना हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं और आप चाहें तो काशी विद्यापीठ के ऑफिशियल वेबसाइट से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। एक और आपका टाइम टेबल है, आइए हम उसको भी देख लेते हैं, उसके बाद हम बताएंगे कि जो भी हमारे एमएमएससी एमकॉम बीएड के बच्चे हैं, उनके एग्जाम्स कब हो सकते हैं। ठीक है, तो एक और मेरे पास टाइम टेबल है, आइए उसको भी हम लोग देख लेते हैं। और इसका प्लीज आप लोग ना हो तो स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। देखिए, ये भी है और इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। ये एग्जाम्स आपके होंगे और जो एग्जाम्स हैं ये आपके 20 मार्च से शुरू हो रहे हैं और ये जो है तकरीबन आपका 8 अप्रैल तक एग्जाम आपका जाएगा। बात करें जो हमारे बीएड के स्टूडेंट हैं, जिनका फर्स्ट सेमेस्टर है, जिनका थर्ड सेमेस्टर है, उसके बाद जिनका एमए एमएससी एमकॉम है, अगर आपका एलएलबी है, अगर आपका एमपीएड है, अगर आपका बीपीएड है, तो आपके जो एग्जाम्स हैं वो आपका जो एग्जाम वो 15 मार्च के बाद, यानी कि आफ्टर 15 मार्च आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे। ठीक है, 15 मार्च के बाद, या फिर अगर बहुत जल्दी शुरू होता है तो आप मान के चलिए कि कम की मिनिमम 10 मार्च तो शुरू हो सकता है, लेकिन 10 मार्च से शुरू होने की संभावना वैसे बहुत कम जताई जा रही है, लेकिन आप एक तरह से समझ सकते हैं और मान सकते हैं कि 15 मार्च के बाद एट एनी कॉस्ट आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा। बात करें टाइम टेबल की, तो टाइम टेबल आपका इसी सप्ताह, यानी कि इसी वीक, यानी कि एक हफ्ते के अंदर आपका टाइम टेबल भी आ जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करूंगा, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई अपडेट के साथ।